ओ भाई फाइनली पहुंच चुके हैं यार। दिखाऊं दिखाऊं भी नहीं दिखाऊं भाई। तो भाई फाइनल टाइम देख लो, हमारे पीछे से भी क्या लुक। रावण किंग चल रही है बेगनाथ और कुंभकर्ण की। रावण तो ये खड़ा हो चुका है भाई पीछे से, कुंभकर्ण और हेलो जी वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। जैसे कि दिन में आज ब्लॉग स्टार्ट करा, दिन दहाड़े आज हमारा जाने का प्लान बन रहा कहा, द्वारका सेक्टर 10। द्वारका सेक्टर 10 इसलिए कि भाई वहाँ जो सबसे बड़ा 215 फीट का जो रावण बनता है, वो रावण देखने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक देखा गया वो खड़ा हो चुका है कल ही रात को। तो हमने कहा इससे बढ़िया पहले मौके पे चौका मार के आगे से फ्रंट से जैसे भी जो लोग होकर दिखाते लाते है ना, भीड़ तो वैसे भी होगी कि, तो चलो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, द्वारका ही पहुंचते थे सीधा। तो निकल रहे अपनी स्कूटी में, अभी तो बस घर से निकले हैं, तो चलते हैं फिर फटाफट। हेलो छोरे, नंदी भाई पहुंच चुके हैं बस स्कूटर लेके, थोड़ा पहुंचते हैं। वो दिख रहा हूँ वहाँ से, वो छोटा छोटा दिख रहा है भाई। यूटर लेके वहाँ पहुंचते हैं, पहुंच गए हैं मतलब लोकेशन पे, उधर पहुंच के देखते हैं क्या सिलसिला। ओ भाई फाइनली पहुंच चुके हैं यार। दिखाऊं दिखाऊं भी नहीं दिखाऊं भाई, दिखा दे दिखा दो। लो भाई देख लो रावण भाई साहब, पूरे कैमरे पे भी नहीं आ रहा ये है। कितना हमारे से बड़ा है, हमारे से छोटा? हमारे से भी बड़ा है मतलब। तो भाई ये जैसे कि ये ग्राउंड है द्वारका सेक्टर का 10 का पूरा, अभी तो ग्राउंड खाली है अभी तक, मतलब मेले की तैयारी चल रही है जोर और जबरदस्त से। बाकी रावण देख लो भाई, भाई साहब ये कितना पे आ रहा है, आ ही नहीं रहा भाई साहब। हैं हाँ सब दिखाते भाई। लो भाई इसके आगे जा रहे हैं भाई, वो देखो इसको बना नहीं कितनी चलती है, साला गिर जाए ना इसके भाई बहुत बड़ा। ये रावण लगभग करके पूरा है 211 फुट का, पूरा 211 फुट का रावण है। इसकी मेकिंग के अंदर भी 35 से 40 लाख रुपए के बीच के अंदर इसकी मेकिंग होती है, बताओ अब हद होती है यार। इतना बड़ा रावण हो इतनी, मतलब इसकी खासियत ये है कि इनमें ना बम वगैरह इतने नहीं होते, ये खाली नॉर्मल फंक्शन के लिए। बाकी कुछ रावण वहाँ भी तैयार हो रहे छोटे, बाकी मेला लगा हुआ फुल, यहाँ स्टेज वगैरह की तैयारी हो रही है फुल, उधर मेन स्टेज बनेगा इनका। जो भी मतलब जिन्होंने यहाँ पे मतलब मोटे से मोटा छोटे से छोटा सहयोग दिया हो उनके लिए। अब जूती देखो भाई साहब, पूरे 1x भी नहीं आ रही है, बताओ यार। ये देखो कैसे देख रहे हैं ऊपर। देखते जाओ भाई, दिखेगा भी नहीं ऊपर से। देखो भाई अंदर से, अभी इसके अंदर बम बम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली रावण है, बम वगैरह कुछ नहीं। देखो मेकिंग इसकी लोहे की, सारा लोहे का लगा हुआ है, बाकी लकड़ की बनी हुई है। जो नीचे का ऊपर का घेरा वेरा है ना, सारी लोहे की मेकिंग है। और इसके अंदर बल्ली भी नहीं है, इसके अंदर बल्ली नहीं है, सारा लोहे की मेकिंग से खड़ा हो रखा है। देखो ये इनकी बल्ली बन रखी है, पीछे से इसका बैकग्राउंड भाई साहब। ओए अपन भी अपने पार्क में इतना बड़ा रावण बनाते हैं, अरे पागल है क्या, खड़ा कहाँ करेगा। खड़ा तो जैसे यहाँ हुआ वैसे हो जाएगा, हमारे हिसाब से भी खड़ा हो ही जाएगा। ये देखो भाई पीछे तो से यार, हाँ लोहे का है इसकी ना मेकिंग, हर साल बम इसमें बम पता कितने हो गए, जितने लगा ले हर बार मैं अपने छोटे रावण में लगाता ना उतने इतने बम होते हैं इसमें। क्योंकि क्या ना ये मतलब ये रामलीला मेन पब्लिक के हिसाब से खड़ा करा जाता है, वो फंक्शन वंक्शन के हिसाब से। बाकी भाई साहब बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके अंदर बम होते नहीं है इतने, खाली नाम के अगर होएगे तो होएगे। बाकी अनार वनार जो होते हैं ना इसके मुखट पे लाइटिंग वाइटिंग का, वो इसका स्वाद अलग ही मिलेगा भाई। भाई साहब मैं तो ये कहूँ, अगर जिस जिसको भी ये रावण ऐसे हमारी तरह घूमते हुए रावण के पास जाते हुए ये चीज़ देखना चाहते हो, तो अभी ये एक और दो दिन के अंदर आके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे सारा इनका मतलब स्टॉल वगैरह जो भी लगेगा, फर्नीचर का काम हो गया और ऊपर से बैठने का स्टेज वगैरह, बाकी वो स्टेज कितना जबरदस्त लग रहा है वो देखो लाइटिंग वाइटिंग के साथ। और बाकी इधर टोटली फुल बहुत सारा काम चल रहा है, इसलिए आप भी अगर देखना चाहते हो
तो हमारी तरह इस टाइम एक दो दिन में आके देख सकते हो, वहां पे जाकर भी देख के आ सकते हो ऊपर तक। पर कुछ राउंड वो भी तैयार हो रहा है, मेला वेला भी पूरा फंक्शन होता है, क्योंकि दो चार दिन के अंदर अगर ये पूरा तैयार हो गया ना, फिर उसके बाद भूल जाओ कोई यहाँ तक टच होगा। मेरे हिसाब से ये बाउंड्री रहेगी इनकी, और उधर से भी इधर से भी, फिर तो ये खाली दूर से ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आना चाहो तो आ सकते हो देखने के लिए, द्वारका सेक्टर 10 के अंदर है द्वारका श्री रामजी। देख लो भाई, द्वारका श्री रामजी सोसाइटी के अंदर, मतलब ये थोड़ा मतलब यहाँ का नाम दे रखा है ग्राउंड के। भाई दिल खुश हो गया यार ये देख के, अब ये देख के लग रहा है अपना राउंड भी इस तरह देना पड़ेगा यार। क्या करे यार, बता दे यार, चले अब घर चले। तेरे को क्या, हमें नहीं दिख रहा, तो अनोखा है, हम अनोखे है, मतलब कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं हो रहा इतना बड़ा रावण है। पूरा 211 फुट का है यार। इधर मेकिंग चल रही है बेगनाथ और कुंभकर्ण की। रावण तो ये खड़ा हो चुका है भाई पीछे से, कुंभकर्ण और बेगनाथ की तैयारी, और ये वेल्ले की तो लेटा ही होगा, अभी बने नहीं है तो तैयार हो रहे हैं। बाकी इनकी मेकिंग के पैर वैर, बाकी ये बंदे हमें बनाने वाले लगता है ये लकड़ के। अभी वो मुंडिया वगैरह पड़ी है, इधर भी मेकिंग चल रही है इनकी। इधर कुंभकर्ण है कहाँ, हाँ ये छोटी लंका भी तो बनेगी इनकी, छोटी लंका। बाकी अभी तो यहाँ बहुत कुछ होगा, ये तो अभी थोड़ा टाइम नहीं है ना, तो इसलिए मतलब हम इतना पास से भी देख सकते हैं और इतने पास से वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। बाकी नहीं तो पॉसिबल नहीं है भाई, जब से मेला चालू होगा ना ये वाला, जब पॉसिबल ही नहीं है यहाँ आने का। मतलब आने का तो है पर दूर दूर से देखा जाएगा, पर टाइम से पहले आके वीडियो रिकॉर्ड कर ली भाई, बढ़िया होगा, फुल बढ़िया से देखने को भी मिल गया हमें। अब ये बता फटाफट कर रहा है क्या, रुके चले क्या कर रहा, मन नहीं कर रहा जाने का। भाई वाकई में यार जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहे बता। यही दिहाड़ी पे लग जाते 200-300 वाली 12-13 तारीख तक। तो भाई चले या फिर चले, देख लिया भाई पीछे से और देख लो तो, क्यों अपनी स्कूटी कितनी वहाँ खड़ी है। बाकी मजा आ रहा भाई, मन ही नहीं कर रहा कसम से जाने का, इस बड़े यही दिहाड़ी पे लग जाते हैं, लग जाए चले। अब ये बता पे लग जा, बात करने चलते हैं दिहाड़ी वाले से। चला दिहाड़ी वाले से भाई बात करने चलते हैं, काम पे रख ले, काम पे रख लो दशहरे तक। हमारे यहाँ पे भी बन रहा है, वो बंदे बना के देखो ये वायर, देखो मतलब लाइटिंग की वायर है अंदर से यार, देखते जाओ कि कहाँ है कहाँ नहीं है। देख पूरी इसकी तैयारी है, बाँस वगैरह खूब अच्छी, देखो कैस के हिसाब से बांध रहे, अब इतना दिख रहा है इसके अंदर बम एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। इनका बम भी कुछ और हिसाब से अलग तरीके से बनता है। चेक ये टेंट वाला पर्दा है भाई, अब ये देखो इसकी जो मेकिंग है ना, ये भी लोहे से बनी हुई है पूरी, ये देखो उसके बाद लकड़ का सपोर्ट बना रखा है, पूरी लोहे की मेकिंग है, सारा लोहे की मेकिंग। यार कितना खर्चा, पता नहीं कौन इतना डोनेट करता है यार, इसका खर्चा भी लगभग 35-40 लाख रुपए के बीच में, लाख हजार भी नहीं, इधर तो हमारे हजार में भी तैयारी पूरी हो जाती है। 40 में से एक हमें देता है यार, पर्चे कटाने की बात कर। तो भाई पीछे से देख रहे क्या दिख रहा है यार, लो भाई फाइनल टाइम देख लो हमारे पीछे से भी क्या लुक, रावण का क्या लुक दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा दिख रहा होगा, रावण कम दिख रहा होगा। लो भाई फिर देख लो, अब होता है अपना टाइम, अब चलते हैं घर। चले घर क्यों, चलते हैं भाई अब घर वाले से बात करने जा रहा। 13 दिन की लगा ले यही दिहाड़ी, इससे बढ़िया चलते यार, चलो ठीक है। टिक्की उक्की की रेडी खोल लूँगा, कोई नहीं जो मर्जी खोल ले। तो लो फाइनल लुक देख लो, अब हम निकल रहे हैं घर की ओर, तो चलते हैं स्कूटी पे, भूख लग रही है, खिला दे कुछ, मेरे को भी लग रही है, मैं खुद खा के नहीं आया। ओह टिप्पन, हाँ दिहाड़ी पे गए भाई, टिप्पन विप्पन साथ लेके। तो यार चलो चलते हैं अब, बाकी जैसा भी जो कुछ होता तो चलते हैं। बाकी अब शायद घर जाके मैं ये ब्लॉग ख़त्म भी कर दूँ, और उसके बाद नया व्लॉग चालू करेंगे अपने यही रावण जी, जो अपना प्रजापति समाज का रावण बन रहा है, जो हमारा मतलब अपना पर्सनल रावण अपने पारिक में बन रहा है, उसकी मेकिंग भी दिखाएंगे, जब तक बनता है, जब तक नहीं। तो चलो अब चलते हैं घर।